हाउ टू में आपका स्वागत है। स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय करीब 26 घंटे चली पूछताछ में सहयोग नहीं करने के कारण ईडी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। 2014 से 2021 के बीच पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए यह घोटाला हुआ था। ईडी ने अर्पिता के घर से शुक्रवार को ही 21 करोड़ रुपये बरामद किए थे। अर्पिता की आज कोर्ट में पेशी होगी। ईडी अर्पिता को रविवार को कोर्ट में पेश करेगा। इससे पहले देर शाम अर्पिता का भी जोका ईएसआई हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। शनिवार को गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को बेचैनी की शिकायत के बाद शाम के समय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एजेंसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शहर की एक अदालत द्वारा 2 दिन की ईडी हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें सरकारी एसएसकेएम हॉस्पिटल में आईसीसीयू में भर्ती कराया गया। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि बाद में उनकी हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद उन्हें आईसीसीयू से बाहर निकलकर कमरे में ले जाया गया। हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव की ईसीजी सहित कई जांच की गई। उन्होंने कहा इस समय उनकी हालत स्थिर है, कई परीक्षण किए गए हैं और डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। पार्थ चटर्जी एवं अर्पिता की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पार्टी एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करेगी। यहां पूरी साजिश रची गई है और केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव कुणाल घोष ने कहा ईडी ने एक भद्र महिला के घर से नकदी बरामद की है। टीएमसी का उस महिला से कोई संपर्क नहीं है। इस पैसे से भी तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इस महिला से जिनके संपर्क की बात की जा रही है उनके वकील जवाब देंगे। कुणाल घोष ने कहा कि पार्थ चटर्जी के गिरफ्तारी के मामले में पार्टी को कानून पर पूरा विश्वास है। इस पैसे का स्रोत कहाँ है यहाँ जितनी जल्दी संभव हो पता लगाया जाना चाहिए और अदालत को इसकी जानकारी दी जाए। अगर पार्थ चटर्जी पर लगे आरोप कोर्ट में साबित होते हैं तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी एवं उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पार्थ से शुक्रवार सुबह पूछताछ शुरू की थी। 26 घंटे चली पूछताछ में सहयोग नहीं करने के कारण ईडी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी के राज में घोटाले नई बात नहीं है। पहले ही उनकी सरकार के दौरान उनके मंत्री और नेता कई घोटाले कर चुके हैं। टीएमसी असल में भ्रष्टाचार का पहाड़ बन गई है। तो दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वंदे मातरम।